मेरे साथ गुरजीत सिंह औजला हैं, जो उस वक्त लोकसभा में मौजूद थे जब दो व्यक्ति विजिटर्स गैलरी से नीचे कूदे और उसमें से एक को उन्होंने खुद पकड़ा वहां पर। अगर आप विस्तार से समझा सके कि किस परिस्थिति में ये घटना हुई और कब आपको लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है। सर, 0 आवर चल रहा था, उसके बाद आउटसाइड जर्न होना था लंच के लिए, तो मैं 17 नंबर, मेरा भी आज 0 आवर में बोलने का फार्मर इश्यू पे बोल के मैं बैठा ही था। इतनी देर में हमारे लेफ्ट साइड में गैलरी है स्पीकर के बिल्कुल सामने, तो हम तो बिल्कुल स्पीकर के राइट साइड लेफ्ट साइड में बैठते हैं, तो उसके बिल्कुल सामने हमारे लेफ्ट में वो गैलरी थी। ऊपर से शोर आता है कि आदमी पकड़ो होता है कि गुस्से हैं, तो मैंने देखा 2 आदमी नीचे टपके वहाँ से, एक आदमी ऊपर से भागता जा रहा है स्पीकर की तरफ, तो हमने वहाँ से शोर किया कि पकड़ो इनको, जो बड़ा मतलब ललकारा उनको, और वो हमारे साथी सांसद उठ के उतने हनुमान बैनीवाल उसकी तरफ भागा, उन्होंने सबने दबोच लिया। तो मेरे को पता था एक पीछे भी है, क्योंकि उनका तो मुँह स्पीकर की तरफ था, मैंने उसको देखा था, तो मैंने भाग के उसकी तरफ गया कि एक आदमी वहाँ छुप गया है। जब मैं गया उतनी देर में उसने वो बम्प जाए वो जूते से निकाल कर, जूतों में इन्होंने फिट कर रखा था नीचे, उन्होंने वहाँ से निकाल कर उसने वो आगे भागना शुरू किया कि मैंने अभी स्पीकर की तरफ जाऊँ, फिर उसने दबोच लिया मैंने उसको, और दबोच कर वो बम्प छीना उससे। जब बम्प छीना तो वो कुदरती बात है उसने भी रिटेलिएट किया, धक्का मुक्की हम हुए, तो उतनी देर में वो छीना गया मेरे से, सिक्योरिटी आ गई, मैंने उसको उनके हवाले करके, तो मैं फिर वो बम लेकर मैंने मतलब कैनिस्टर था तो मैं ज़्यादा करार कर रहा हूँ, ये 3 सेकंड का ही वाक्य था, तो वो छीन के मैंने बाहर की तरफ भागा, मेरे को था कि कोई अंदर फटे ना कोई। तो ये कैनिस्टर था वो, पता नहीं ये क्या था, आई डोंट नो, मतलब पूरा गर्म था, एक इतना स्टिक था मोटा, मतलब आप कह सकते हो 1.5 इंच पाइप के तरफ होगा तो 9-8 इंच लंबा होगा, उसको पकड़ के मैंने उसे छीना, वो देता नहीं था। तो उस वक्त स्मोक था पूरे सदन में, पूरा मैं खुद अभी भी मेरे थोड़ा बहुत चढ़ा हुआ है, तो मेरे को भी अभी वो परेशानी सी हो रही है, इरिटेशन जी हो रही है अभी भी, तो हो रही है। हाँ, वो तो पूरा पूरा घना स्मोक था, वही लेकर हम फिर भागे, फिर आप बाहर आ गए सदन के बाहर, फिर तो वो भाग के बाद सिक्योरिटी आ गई, सिक्योरिटी को मैंने पकड़ा दिया कि आप बाहर फेंक किया हो इसको, हमने उसकी तरफ भागे ना कहीं और ना, फिर उसकी तराची ली जाकर भी कुछ और तो नहीं, इसने कुछ मार रखा साथ में, फिर उसकी तराची लेकर सिक्योरिटी के हवाले कर दिया। और ये परमात्मा की बख्शिश है कि हमने हमारा तिरंगा है, हमारा देश है, और इतना जज्बा परमात्मा ने रखा है कि हम उनके साथ टकरा गए सीधे के सीधे, उधर से आ रहे थे हम इधर से सीधे उनको पकड़ लिया। और जिस हाथ से आपने पकड़ा वो एक बार दिखाया गया, उसमें अभी भी वो मार्क है, ये मार्क है, ये मतलब ये पीला सा मार्क है ना, ये थोड़ा जला भी है इसके इससे पकड़ के मतलब जी, तो इसमें जलन हो रही है आपको हाथ में अभी? थोड़ा बहुत तो हो रही है क्योंकि वो गर्म था बहुत ज़्यादा। और स्पीकर से आपकी मीटिंग हुई है, क्या कहा स्पीकर ने? इसमें शाबाश भी दी है, और वो अभी सिक्योरिटी का तहकीकात कर रहे हैं, उसके लिए कमेटी बनी है, वो देखे अभी हमारी पार्टी से भी मीटिंग हो रही है, और हम बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठकर देश के साथ खड़े हैं, कोई भी परमात्मा ये स्टेप लेंगे, हम पूरे तौर पूर्ण तौर पर अपोजिशन जो है वो सिक्योरिटी के मसले में खड़ी है, लेकिन ये सिक्योरिटी की जो चूक हुई है उसके ऊपर तहकीकात जरूर होनी चाहिए, और इनकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए, कौन दुश्मन लोग हैं जो सेम डे जब 2001 में हमला हुआ था सेम डे में आकर उन्होंने एक मैसेज दिया देश को, ये बहुत गलत हुआ है, ये बहुत वीक सिस्टम है जिसकी वजह से वो घुस पाए। आपने सबसे पहले उनको पकड़ा जो दूसरा व्यक्ति था उसको, उस वक्त क्या आपको लगता है एक नेचुरल रिएक्शन था आपके तरफ, आपको लगा बिल्कुल 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 कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है? नहीं, वो तो हम इसीलिए उनको रोकने के लिए भाग दिए ना, वो तो हमें वो सामने से भाग रहा आ रहे हैं तो हम उनको रोकने के लिए उनकी तरफ जा रहे हैं, वो तो नेचुरल रिएक्शन था हमारा कि उसको रोकना है, कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, हम तो इसलिए भागे जी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।